everyone, आज ऐसे matrix chapter बारे पढ़ने लग गया जो बहुत ही ज़्यादा easy ते important है। आज के lecture दे विच ऐसे ही जाना कि matrices है कि ते matrices ये किन्हीं किस्मा हैं, ठीक है? So मेरे पूरी उम्मीद है कि तो नए chapter बहुत ज़्यादा बढ़िया ते interesting ते easy भी लगेगा। So चलो start करिए matrix। सब तो पहला आप जान लीए कि मैट्रिक्स है कि वैसे मैट्रिक्स किवें बनती है कि एदी स्पेशलिटीज ने, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन तो स्टार्ट करांगे। पहले थोड़ी छोटी जी डेफिनेशन लिखा दा, दैन उस तो बाद मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स नाल समझावांगी कि है कि मैट्रिक्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स नाल बच्चे नूं ज्यादा क्लीयर हुंदा। आप जिन्ना भी पढ़ांगे ते नाल नाल तुहानूं सारा कुछ एग्जाम्पल नाल ही समझावांगी, चाहे इंट्रोडक्शन्स है, चाहे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसिस है, सारा कुछ मैं तुहानूं एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल्स दसांगी, डेफिनेशन भी दसांगी बट एग्जाम्पल्स भी नाल आपां ये करांगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला डेफिनेशन है मैट्रिसिस दी की है कि मैट्रिसिस इज अरेंजमेंट, की है? अरेंजमेंट है, arrangement of numbers in row and column। वो छोटी जी डेफिनेशन है और बहुत बड़े आसानी नाल क्लीयर भी करवावांगे तुहानू कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स किवें है। ये एग्जाम्पल नाल समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लै लो कि मैं की किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ नंबर्स ले ले, 6 नंबर्स ले ले। हम ये 6 नंबर्स दी मैं अरेंजमेंट करनी है, मतलब 6 नंबर्स को मैं किवें किवें लिख सकती हूँ, ठीक है? सो देखो जी मैं मैट्रिसेस लिखने का सब तो पहला किवें लिखते होंगे मैट्रिसेस नो हमेशा कैपिटल लेटर्स ए बी सी जिवें मर्जी तुसीं लिख सकदे हो, जिहड़े मर्जी लैटर्स नाल लिख सकदे हो बट कैपिटल लैटर्स होना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा ब्रेसिस दे विच ब्रेसिस दे विच इवन ब्रेसिस दे विच रख दे मैट्रिसेस नू, क्योंकि जे तुसी ए ब्रेसिस नहीं पाओगे तो दैट मीनस वो मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है? तुसी ए वाली ब्रेसिस भी यूज नहीं कर सकते ते ए वाली ब्रेसिस भी यूज नहीं कर सकते। यही एक स्पेशलिटी है कि मैट्रिसेस नू असी हमेशा इस ब्रेसिस दे विच लिखना होंदा है, क्लियर है? देखो जिवें 6 नंबर सी, ए 6 नंबर्स नू मैं किवें लिख सकदी आ, मैं लिख सकदी आ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स ही लिखना सी, मैं लिखता 6 नंबर्स। हुण होर एक तरीके नाल देखो मैं भी लिख सकदी हां 6 नंबर्स नूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? देखो बी मैट्रिसेस ले ली जिन्हें मैं भी लिख सकदी हां 1, 2, 3, 4, 5 and 6। हुण तुसीं देख रहे होगे कि मैं तीन तरीके नाल 6 नंबर्स नूं मैं तीन तरीके नाल तीन मैट्रिसेस दे विच लिखता, दैट मीनस मैं की कीती है इन्हां दी अरेंजमेंट कीती है। दूजी गल पहला शब्द सी अरेंजमेंट, ये मैं अरेंजमेंट करती ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। हुण आपां पढ़ रहे कि रो एंड कॉलम मेरे विच की है। देखो रो की हुंदा है कि कोई भी मैट्रिसेस है उहदे विच जिहड़ी होरिजेंटल लाइन है, होरिजेंटल लाइन उहनूं आपां की बोलदे ने रो बोलदे ने। जिवें इहनूं रो 1 बोलांगे ते इह की आपणे कोल रो 2, क्लीयर है? तो एक ही नहीं अपने कुल कॉलम C1, C2 and C3, क्लियर है? सो कोई भी मैट्रिसेस होगी उस मैट्रिसेस दे विच रोज एंड कॉलम्स होंगे, ठीक है ना? जिवें हुण ए मैट्रिसेस है, इस मैट्रिसेस दे विच की 1 रो 2 रो एंड 3 रो, तो एक ही है C1, C2 शॉर्ट फॉर्म च लिखी है, आर इज रो एंड सी इज कॉलम, ठीक है? सो हेयर इज ऐसे की है कि तो 6 किन्ने ने, अच्छा सॉरी 1 रो है R1 ते कॉलम्स किन्ने ने अपने को 6 कॉलम्स है। ते एथो देखो सानू क्लियर हो रहा है कि मैं की कीता कि इन 6 नंबर्स नु अरेंज करके रो एंड कॉलम दे विच मैट्रिसेस दी फॉर्म दे विच लिखता, ठीक है? सो ओही गल एथो हुन एग्जांपल नाल हुन क्लियर हो गया दैट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके? सो नेक्स्ट की आ जाता है कि जो आपां ये नंबर्स लिखे ने इस मैट्रिसेस दे विच, जो ये नंबर्स लिखे ने ये बेसिकली की बोलदे ने इन्हां नूं
बोलते ने एलिमेंट्स की बोलते ने एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिसेस के बीच जो नंबर लिखे गए ने उन्होंने की बोलते आप एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ठीक है जी जिमें हमने की है 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ने ये नंबर्स नहीं है कि हमने की बन गए ने एलिमेंट्स बन गए ठीक है सो आप की पढ़िया है कि डेफिनेशंस एंड एलिमेंट्स बारे पढ़िया है सो नेक्स्ट आप पढ़ांगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ठीक है इहो होर कि आप इहो जनरल फॉर्म च देख लेंगे चलो जिमें ए है ए मैट्रिसेस नु जनरल फॉर्म दे विच एवें लिखदे आ ए आई जे वेयर वेयर आई और जे बिलोंग्स टू नेचुरल आई जे इन्होंने जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिसेस में लिखने के लिए जी जनरल फॉर्म यूज करते हैं जे ए आई जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हूँ ये मैट्रिसेस तो जब मेरे को मैट्रिसेस बनानी है तो मैं किसी बना सकती हूँ देखो हम जो एलीमेंट्स ने ए एलीमेंट्स की है कि रो वन और रो कॉलम वन एलीमेंट्स है दैट मीनस लिख सकते हैं जी ए वाली मैट्रिस लिख सकते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री हूँ देखो इतने की है कि जी ए वाली मैट्रिस जो ए वन वन है ए वन वन वो की अपने को वन है वन क्यों है क्योंकि जो ए वन है ए वन वन है तो फर्स्ट इन आई बोलते हैं जे बोल जो फर्स्ट वन है ये रिप्रजेंट कर रहा है अपना रो तो ये रिप्रजेंट कर रहा है अपना कॉलम ठीक है जी ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਵਨ ਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰਿਕਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਥ੍ਰੀ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਥ੍ਰੀ ਕਾਲਮਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਵਨ ਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਵਨ ਵਨ ਫਸਟ ਰੋ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है देन होर इधर कुछ एलिमेंट ला लो जी मेन वाला एलिमेंट है ए टू टू मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट मींस जिथे दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें अपन की बोल रहे हैं उसका एलिमेंट्स बोल रहे हैं ठीक है हम जो मैं कोई होर ला लो ए टू टू थ्री का मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट मीन सिक्स की बात कर रहे हैं ठीक है आई होप सो मैं सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा सो नोट डाउन कर लो हाँ जी नेक्स्ट आप पढ़ांगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस दे विच की होंदा है कि ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 ਗੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ 1 2 3 4 4 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਸੋਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ R1 R2 R3 ਤੇ R4 ਤੇ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ C1 C2 C3 ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ M ਕ੍ਰੋਸ N ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ वेयर एम की अपने को एम है नंबर ऑफ रोज एंड एन है अपने को नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है सो इस मैट्रिसेस दे विच साडे कोल किन्नियां रोज ने 4 रोज ने ते 3 की ने अपने को कॉलम्स ने सो इथे आपा पुट कर सकदे हां ते वैल्यू की बन जाएगी 4 क्रॉस 3 सो इस मैट्रिसेस दा ऑर्डर की बन गया 4 क्रॉस 3 बन गया ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ
की पता लग रहा है इस किनिया रोज ने आर वन आर टू आर थ्री कॉलम्स किन्ने ने टू तो आपको किवें लिखना थ्री रोज टू कॉलम्स ठीक है. द मेन थिंग इज दैट तुसी हमेशा जो एम है एम मतलब रोज रोज की जो वैल्यू है हमेशा फर्स्ट पे लिखनी है दैन उस तो बाद तुसी कॉलम की वैल्यूज लिखनी है ठीक है. कोई भी मैट्रिसेस होवे नेक्स्ट आप टाइप ऑफ मैट्रिसेस करांगे उधर जिन्ने वाले टाइप्स ही वैल्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है तुसी हमेशा रोज की नंबर ऑफ रोज है जो वो हमेशा फर्स्ट पे आएंगे दैन उस तो बाद कॉलम्स की वैल्यूज आएंगी. क्लियर है जी. आई होप थानू क्लियर होएगा दैन आप अगे चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट अपने को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. द फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का मतलब रो तो ही क्लियर हो रहा है. रो मैट्रिक्स का मतलब होंगे कि जिस मैट्रिक्स सिर्फ एक ही रो हो बोलते हैं रो मैट्रिक्स. क्लियर है. एग्जाम्पल देख लो जिम्मे कोई ए मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव तो ये रो कि वन कॉलम किन्ने फाइव तो यह बन गया वन इंटू फाइव ऑर्डर बन गया. कॉलम जिन्ने मर्जी हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रो की है वन होनी चाहिए उन्होंने बोलेंगे रो मैट्रिक्स. ओके द सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिसिस दे विच सेम होगी जिस मैट्रिसिस दे विच सिर्फ एक ही कॉलम हो बोलते आप कॉलम मैट्रिसिस वन टू थ्री एक ही बन गई कॉलम मैट्रिक्स. क्यों क्योंकि ये कॉलम किन्ना है एक तो रो कि ने थ्री ठीक है तेन आप लिखा थ्री क्रॉस वन ऑर्डर बन गया. क्लियर है. नेक्स्ट है अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिसेस स्क्वायर तो स्क्वायर सानू पता ही है स्क्वायर की होंगे जिसकी फोर साइड्स की होंगे ने एक क्रॉस होंगे वो आप बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं. उवें ही मैट्रिसेस के केस दे विच स्क्वायर मैट्रिसेस की होगी जिस दे विच m इज इक्वल्स टू n दैट मीनस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. की कहेंगे कि m इज इक्वल्स टू n होगी. जो एग्जांपल मैं लिख लेते हैं हो गया रोज किन्ने अपने को थ्री कॉलम्स किन्ने अपने को थ्री तो थ्री बाय थ्री थी मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो इन्हें की बोलेंगे आप स्क्वायर मैट्रिसेस. उवें कोई बी मैट्रिसेस ले लो आप टू फोर सिक्स एट एक ही है टू बाय टू क्योंकि टू रोज ते थ्री टू रोज ते टू कॉलम्स तो इन्हें की बन गया अपने को स्क्वायर मैट्रिसेस. क्लियर है जी. हाँ जी उतार लो इन्हें एक बार. नेक्स्ट है अपने को रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस दे विच की होएगा जिस दे विच एम इज नॉट इक्वल टू एन दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ते रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि सीधी जो रेक्टेंगुलर शेप की तरह सानू दिखती हो. एग्जाम्पल के नाल देख लेंगे आप जिम्मे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें मैं थ्री फोर सिक्स टू वन सैवन एग्जाम्पल दूजी एग्जाम्पल देखो ए है कि टू रोज और थ्री कॉलम्स ए थ्री रोज से टू कॉलम्स तो शेप से पता लग रहा है कि बन रही रेक्टेंगुलर की शेप से बन रही है. और द मेन थिंग इज दैट कि एम इज नॉट इक्वल टू एन is not equal to n. So this is इनो पक्की बोलेंगे अपन rectangular matrices. ठीक है जी. हाँ जी. The next is diagonal matrices. ये देखो क्या आना लिखना है क्योंकि diagonal matrices में related दो तीन matrices हो रहे हैं फिर इन चीजें का समझ लो. A square matrix is set to be
A scale matrix said to be a diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I, j is not equal, I is not equal to j. देखो एक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, दो चीजें इंपॉर्टेंट ने कि एक तो ही स्क्वेयर मैट्रिसेस होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स वही होएगी जो पहले की होएगी स्क्वेयर होएगी, ठीक है। स्क्वेयर के नाल नाल क्या कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये मतलब की है। एग्जाम्पल मैं देख दिया, कोई ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देखो ए की ने अपने को डायगोनल है, किसी भी मैट्रिसेस दा डायगोनल्स ए होंगे 1 2 3, ये सारे चीजें डायगोनल्स हैं, ठीक है। ते जेडे ए वाले नंबर्स ने ए की ने नॉन डायगोनल्स, नॉन डायगोनल्स, हाँ जी, ए की ने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की में ने देखो एथो क्लियर है कि जीना जी पोजीशन जो I is not equal to j, that means 1 0 is equals to 0, 1 3 is equals to 0, A 2 1 is equals to 0, क्यों 0? क्योंकि 1 is not equal to, no sorry, I is not equal to j, I is not equal to j, I is not equal to j. जिथे I is not equal to j होएगा वो सारी entries, वो सारे elements की होंगे 0, तो बाकी सारे की होंगे अपने को non-zeros होंगे, उन negative भी हो सकते हैं, positive भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें की बोल दिया आपका diagonal matrices, इन उदाहरणों को सीखो। हाँ जी, next है अपने को diagonal matrices, तो बाहर आ जाता है scalar matrix, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिसेस दे विच की हुंदा है कि इस डेफिनेशन को मैं लिखावा, डेफिनेशंस की कहंदी है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जदों आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड के इज एनी स्केलर जदों आई इज इक्वल्स टू जे होगा, ठीक है। एग्जांपल ना देखो, एग्जांपल दे विच की है कि 500050005, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स इज की ने अपने को कोई स्केलर है, ठीक है। वो सारा की होए कोई के कुछ भी ले सकते हैं अपन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सेम जो मैं थोड़ा पहले भी दसिया मैं। तो एक ही अपने को स्केलर मैट्रिक्स, देन आ गया अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिसेस दे विच की है देखो ए आई जे वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 जो आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। जिमें ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, एक ही बन गया अपने को आइडेंटिटी मैट्रिसेस, क्यों? क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स सारे की ने अपने को 1 ने, तो उनकी बोलेंगे अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट है अपने को जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज नाम तो ही क्लियर हो रहा है, जिधर सारे एलिमेंट्स की होंगे 0, जिमे ये भी 0 हो सकती है या फिर ये मैट्रिक्स इनकी बोल दें अपना 0, 0 भी बोल देंगे, नल भी बोल देंगे, नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स, क्लियर है जी? बताओ अच्छे। नेक्स्ट करने लगे अपन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, लास्ट है बहुत इजी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब की है कि इक्वालिटी करने के लिए दो मैट्रिसेस की लोड़ पेगी, दो या तीन है ना, कुछ भी है, तो की करेंगे अपन कोई मैट्रिसेस ए ले ली, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये दूसरी मैट्रिसेस मैं ले ली बी,
A, B, C, D. Okay? इन्हें दो मैट्रिसेस A है दो मैट्रिसेस इक्वल का दो होनी है जो दो फर्स्ट कंडीशन ज्यादा इन्हें दे ऑर्डर की हो सेम हो देखो हम जो ये मैट्रिसेस है इधर मैट्रिसेस ऑर्डर की ना 2/2 इधर की ना 2/2 ठीक है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन की है कि इन्हें दे एलिमेंट्स भी ठीक होने चाहिए ने इक्वल होने चाहिए ने ठीक है तो उन की बोल लगे अपा इक्वल मैट्रिसेस जीवे देखो a is equals to b जी अपा करी a is equals to b तक की होएगा 1 2 3 4 is equals to a b c d ओके तब पर हुन a वाला एलिमेंट किस एलिमेंट दे इक्वल है कि a 1 1 is equals to a b मैट्रिसेस जी b 1 1 a 1 2 is equals to b 1 2 a 2 1 is equals to b 2 1 a 2 2 is equals to b 2 2 दे इक्वल होए करेगा सो इस तरीके नाल असी a b c दी वैल्यूज भी कर सकते हैं सो a दी वैल्यू कितनी आ गई 1 b दी 2 c दी 3 और d दी कितनी आ गई अपने को 4 ठीक है सो फिर कोई दस ने क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दे विच किया कि दो मैट्रिसेस या कंपैरिजन है दो मैट्रिसेस थ्री मैट्रिसेस नु अपना इक्वल उदो कहांगे जब फर्स्ट कंडीशन जाता ना ऑर्डर सेम होना चाहिए सेकंड उन्हें ना की होएगा एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए ठीक है जी हाँ जी बता रहे हैं कि ए सी का अपना 3.1 तो पहला जो अपने को जिधर से अपने इंट्रोडक्शन पढ़ी है टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े ने ठीक है तो क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े ने और मैं कहाँ ना कुछ सम 3.1 जो एनसीईआरटी की बुक है ठीक है प्लस टू दे बीच वो तो कुछ क्वेश्चंस तो हमें प्लान लग गया 3.1 दे वो आप हम करते हैं ठीक है चलो हम आप एक्सरसाइज करते हैं 3.1 द फर्स्ट क्वेश्चन हम तो जल्दी क्लियर होएगा कि आप हम जब जो पढ़े आए वो ऐसे सारा कुछ मैं अप्लाई होगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है अपने गोल इन द मैट्रिक्स एनसीईआरटी की बुक्स है इन द मैट्रिसेस 2, 5, 19 minus 7, 35, minus 2, 15 by 2, 5 by 2 and 12, 17 under root 3, 1 and minus 5. ये थोड़ी कोई क्वेश्चन की बने तो सब की पूछा गया है कि order of the matrix order of matrix number of elements elements number 3 है write the element of elements of किसी elements की सुनिए अपने a13 a21 a33 a24 and a23 हाँ जी ठीक है सो फर्स्ट की अपने को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस हुन तुसी देख के दस ही सकदे हो की ऑर्डर है दा इस मैट्रिसेस दे विच किन्नी रोस ते किन्ने कॉलम्स ने देखो किन्नी रोस ने 1 2 3 3 रोस एंड 1 2 3 4 4 कॉलम्स तो सिंपली है कि ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4 हो गया राइट देन की पूछ रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इस मैट्रिसेस दे विच एलिमेंट्स किन्ने एलिमेंट्स ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो मैं गिन के रास्ता 12 है लेकिन जे मान लो मैं बाय चांस थानू बोला कि तुसी कोई ए मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर फड़े कोल 100 by 200 300 तो तुसी वो अड्डी वड्डी मैट्रिसेस दा ऑर्डर किवें फाइंड कर सकते हो ठीक है सो इहदे लई की एक मेथड है की मेथड है कि जो साडे कोल ऑर्डर है जो साडे कोल ऑर्डर गिवन है जिवें 3 बाय 4 दा ऑर्डर है उहनू मल्टीप्लाई कर लो एंड तुहाडे कोल की बन जाणगे एलिमेंट्स आ जाणगे ठीक है सो नेक्स्ट देखो राइट द एलिमेंट्स ऑफ a13 की वैल्यू दसनी है तुसी a13 दा मतलब की है मैं दस्या सीगा थानू 1 इज रो 3rd इज कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट्स बन गए नेक्स्ट है 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 35 एक ये 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5 बाय 2 नेक्स्ट उसी मार्क को
आप करके दिखा रहे हैं ठीक है एक हम क्लियर हो गया सारा कुछ वेरी गुड तो ये सीधा साडा फर्स्ट क्वेश्चन इन उतार लो देन हम सेकंड क्वेश्चन कर दें एंड हम सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखना स्टेटमेंट की है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव पॉसिबल ऑर्डर वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव देखो कह रहे कोई मैट्रिसेस है जिसके 24 एलिमेंट्स है किने 24 एलिमेंट्स ने तो हम तुसी किने तरीके किने ऑर्डर्स के बीच लिख सकते हैं 24 एलिमेंट्स है जो सब तो पहला अपन एक जो मैट्रिसेस की डेफिनेशन कराई सी थानू ओदो मैं की कर रहा सी कि अपने को 6 एलिमेंट्स सी ओनो 6 एलिमेंट्स नु मैं अलग-अलग मैट्रिसेस दे विच लिख के दिखाया सी कि अरेंजमेंट की सी वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है कि 24 एलिमेंट्स ने अपने को ते 24 एलिमेंट्स नु मैं किने तरीके नाल लिख सकते हैं किने तरीके नाल ओदे ऑर्डर बन सकते हैं सो इट्स अ वेरी इजी किवे देखो 24 अपने को एलिमेंट्स है 24 is equal to 24 is 24 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 1 into 24 ਕਰ ਸਕਦੇ 2 into 12 4 into 6 ਤੇ 3 into 8 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 24 into 1 12 into 2 6 into 4 and 8 into 3. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then apne kul kiya 8 ways ne. 8 ways matlab 8 trick. Sorry. Apne kul kiya 8 ways ne. 8 trick kya naal aapa. Matlab 8 orders aagaye. 8 trick ke liye orders aagaye. Apne kul 8 answer aagaya. Ki 8 orders de vich assi 24 elements. नेक्स्ट है आपने कोल थर्ड एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करनी है अपने कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 राइट 2x2 दी अपन एक मैट्रिसेस ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करनी है जिस विच एलिमेंट्स की नहीं अपने कोल ए आई जे वेयर A I J is equals to I plus J the power by 2. Clear है? अपने 2x2 दी matrices बनाने that means 2 rows ते 2 columns ते अपन matrices पहले लिख लिए अपन किने लिख लिए A11, A12, A21, A22, right? Clear है? हुन ये देख अपन ने A11, A12 इना थे अपन ही रखनी है values find करनी है वो वैल्यूज किवे फाइंड करनी है देखो अच्छा ए मैट्रिसेस लिख लो A11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਰੋਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਮ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ I ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ J ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ I J ਦੀ ਮਤਲਬ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਔਰ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 plus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਸਕੁਅਰ by 2 4x2 ਦੇ ਕੱਟਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ A11 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਔਰ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1 plus 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ by 2 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 3 ਸਕੁਅਰ by 2 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9 by 2 ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 by 2 सेम A21 ਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 plus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 by 2 ਕਲੀਅਰ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ 822 ਸੋ I ਵੀ 2 ਤੇ J ਵੀ 2 by 2 ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਦੀ ਸਕੁਅਰ by 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 16 by 2 ਆਨਸਰ 8 ਰਾਈਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੋਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 2x2 ਦੀ 3x3 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਟਰ ਵਾਲੀ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ The number of all possible values, the number of all possible matrices of order, matrices of order 3 cross 3, right, with each entry, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 3x3 ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸੌਰੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲੈ ਲਓ 0 ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 0100000 ਆਲ ਆਰ 0 ਥਰਡ 0010000000 ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 0 ਹੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਰਾਈਟ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3x3 ਹੈ 3x3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ 9 ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 9 ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2/9 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 1 2 ਨੂੰ 9 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 0 1 2 ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2/2 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2/2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 4 ਤਾਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 81 ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਯੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ